लकड़गंज परिसर का लिंडी तालाब पुरातन काल की विरासत संजोए हुए है, जो कहने को तो तालाब है मगर कई सालों से घास का मैदान बन गया है। लिंडी तालाब पर गंदगी का अंबार है। पुरातन धरोहर संजोए रखने का काम पुरातन विभाग का है और तालाब होने के कारण रखरखाव की जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका की, मगर संजोए रखना तो दूर नगर सेवक और नागपुर महानगर पालिका इस ओर ध्यान देने से भी तैयार नहीं है, जिस वजह से भूमाफिया की नज़र इस तालाब की जमीन पर है, जो रातों रात यहाँ घर बनाकर बेच देते हैं। तालाब में बढ़ रही गंदगी की वजह से परिसर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनसे बात की हमारे संवाददाता प्रकाश शुंगलवार ने। हम फिलहाल खड़े हैं लेंडी तालाब परिसर में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये कहने को तो तालाब है मगर तालाब दिखता नहीं, क्योंकि अवैध प्लॉटिंग और जो है कचरे की वजह से यहाँ का जो माहौल है पूरा खराब हो चुका है। पूरी घास उगी है यहाँ पे और आप देख सकते हो कि पूरे झोपड़े बने हैं तालाब के परिसर पे। यहाँ से इस वजह से यहाँ के परिसर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात में जो है लोगों को काफी दिक्कतें आती है, यहाँ पे बदबू आते हैं और भी पानी भर जाता है, जिस वजह से लोगों के घरों में पानी चला जाता है, सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताइए कि आप यहाँ पे रहते हो, आपका पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम भारत देसवारी। भारत जी, मुझे बताइए कि आप यहाँ पे रहते हो, बरसात का मौसम है, किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या दिक्कतें आती है? काफ़ी दिक्कतें होती है यहाँ पे, जैसे कि तालाब में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो उससे सांप निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं, कई तरह के मच्छरें होती है, मतलब बहुत तकलीफ होती है यहाँ के लोगों को। गंदगी देखिए, आप दिख ही रही है आपको कि बहुत गंदगी है, हर प्रकार के छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ सांप निकलते, डर लगता है उस प्रकार से कि घुस ना जाए, काट ना ले किसी को, कीड़े रहते हैं अलग अलग तरीके के, कुछ ऐसे नए नए प्रकार की गंदगी होती है, मगर प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है काफ़ी। बरसात में क्या माहौल होता है, किस तरह पानी भर जाता है? यहाँ पे तो पूरा तालाब जो था तो वो तालाब अभी दिख नहीं रहा है, घास उगी पड़ी है, कभी महानगर पालिका के लोग आते हैं साफ करने? पहले तो अभी तो आते नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले एक बार हुआ था इसके पहले, फिर उन्होंने छोड़ दिए। घासें इतनी मोटी हो गई है कि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं, जैसे कि नेवले है, सांप है, बिच्छू है, अगर बोले तो ये रहते हैं यहाँ पे। हमारे साथ एक महिला भी है जिनसे हम बात करेंगे। आंटी, मुझे बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पे रह रही है? तो बहुत साल हो गए बेटा, पर बहुत गंदगी है यहाँ पर। अच्छा। बहुत सांप भी निकलते, कभी काट भी लेते कपड़े वगैरह धो तो, फिर क्या बोलते, बाज भी बहुत आती है और पानी की भी बहुत परेशानी हो जाती है, फिर धोने की इच्छा नहीं होती है। कहाँ जाना चाहिए हम बताओ, हमारा भी तो धंधा है ना। तो फिर आप कितने सालों से, आप 20-25 सालों से यहाँ पे रह रही है, तो मुझे बताइए यहाँ पे अभी तो घास दिख रही है, ये था, खुला था पूरा। तो तालाब यानी तालाब के स्वरूप में कब था, कब यहाँ पे पानी था? बहुत पानी था, हम आए थे बहुत पानी था, पर अभी एक बार निकाले भी उसको तो फिर से वैसी हो गया, ये बोल्डर डाल के भी निकाले। अच्छा। फिर भी बराबर सफाई नहीं करे उन लोग। महानगर पालिका वाले कभी आते हैं साफ करने? आते ऐसे फोटो खींच के ले जाते बस। अच्छा। बस फोटो खींच के ले गए, थोड़ा सा कर दिए चले जाते, साफ वाले एक भी नहीं आते साफ करने। तो काफी पुराने मकान है यहाँ पे, बहुत सालों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जिस वजह से जो पहले जो तालाब का परिसर था वो अभी तालाब न होते हुए सिर्फ घास रह गई है और अवैध प्लॉटिंग, जिस वजह से पानी जो है यहाँ पे अंदर है, ऊपर से घास है, जिस वजह से बहुत से जीव जंतु रहते हैं, सांप, बिच्छू, इन वजह से यहाँ के परिसर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यही कहना है कि महानगर पालिका प्रशासन हो, संबंधित प्रशासन हो, उन्होंने ध्यान देकर इनकी समस्या को हल करना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र TV 24 नागपुर।